बीजेपी के विधायक शलभमणि त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलभमणि जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम यहां पर पेश आया है, ऐसे में पुलिस की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है? सरकार पूरी तौर पर मुस्तैद है, हमारी जो पुलिस मशीनरी है वह भी पूरी तौर पर सतर्क है, इसलिए कोई दुर्भाग्यपूर्ण चीज नहीं हो पाई। आपने पिछले दिनों देखा है कि गोरखपुर में भी एक प्रयास हुआ था। कई बार उत्तर प्रदेश में अमन चैन शांति का जो कानून व्यवस्था का जो बेहतर माहौल है उसको कुछ तत्व अपने अपने तरीके से बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी जो पुलिस मशीनरी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पूरी तौर पर इसको लेकर मुस्तैद है। पर्व का मौका भी चल रहा है, आपको पता है कि इस टाइम तमाम त्यौहार भी चल रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है उसमें स्पष्ट निर्देश दिया है सभी जिलाधिकारियों को, सभी पुलिस कप्तानों को, कि अपनी तरफ से मुस्तैदी बरती जाए। बाकी एजेंसियों को भी लगाया गया है, और जो भी लोग इस घटना के पीछे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी चलिए, त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आप शलभमणि त्रिपाठी को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो लोग इस घटना के पीछे हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसी बीच मस्जिद के केयरटेकर का इस पूरे मामले में क्या कहना है, एक बार आपको वो भी सुनाते हैं। हम इस समय अयोध्या शहर में मौजूद हैं, जहां परसों रात माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन सूझबूझ से, समझदारी से इसको पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मस्जिद के मुतवल्ली साहब मौजूद हैं। सर, क्या हुआ था, कैसे जानकारी आप लोग को मिली, क्या पूरा मामला बताएं? यहाँ पर ये रमज़ान का महीना चल रहा है और जिसमें मस्जिद में इतिकाफ पर बैठे हैं लोग, जिसे कहते हैं 10 दिन के लिए लोग रात अपना घर छोड़ करके चले आते हैं इबादत के लिए। तो हमारे यहाँ के जो स्टाफ हैं, जिन्हें हम मुअज्जिन कहते हैं, वो यहाँ ये मस्जिद की साफ़ सफाई रखना उठाना ये व्यवस्था वो देखते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने सोचा कि अब 2 बज रहा है आसपास, लाओ चले खोल के देखें लोग आने वाले हो नमाज वमाज के लिए, पढ़ने के लिए, तिलावट के लिए, कलाम पाक पढ़ते हैं। तो दरवाज़ा उन्होंने खोला, जब खोला तो उनकी निगाह दिखाई दिया कि 3-4 मोटरसाइकिल और 2-2 लोग लगभग वो बैठे थे, उनकी नज़र में ही आया। चूँकि आदमी जब दरवाज़ा खोलता है तो निगाह सामने जाती है, तो उन्होंने सामने देखा। उसके बाद जब निगाह उनकी पड़ी नीचे, तो वहाँ पर एक फ्लेक्स लिखा रखा हुआ था, उसका अपोजिट पोर्शन जो सफ़ेद होता है उस पर कुछ अपने गंदे शब्द यानी असामाजिक या असंवैधानिक शब्द का प्रयोग किया गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।